सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने अंबेडकर नगर स्थित सामुदायिक भवन में बीकानेर के पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामले में तीन नामजद आरोपियों में दो आरोपी सुरेश चंद जाटव निवासी बैरागढ़, अनिल कुमार जाटव निवासी नई बस्ती डिवाकरी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस नामजद अन्य एक आरोपी की तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि 19 तारीख की रात को अंबेडकर नगर स्थित सामुदायिक भवन में बेलाका ग्रामीणों सहित नामजद आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर दी थी। भवन में वह तोड़फोड़ भी की थी, पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनएबी थाने पे सख्त कार्रवाई की जा रही है और कड़े सेक्शंस जो विधि अनुसार हैं उनको लगाया गया है। साथ ही साथ जो नामजद तीन आरोपियों में से दो आरोपी डिटेन किए जा चुके हैं और बाकी अन्य आरोपियों को भी डिटेन करने के लिए हमारी चार टीमें लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही इसमें सख्ती के साथ कार्रवाई की जाकर इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर चालान प्रस्तुत करके जल्दी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस निष्क्रियता को लेकर आपने बड़ा एक्शन लिया है, क्या एक्शन? देखिए, प्रथम दृष्टया डिले और सही समय पे कंट्रोल रूम को और स्टेट कंट्रोल रूम को सूचना नहीं पहुंचाने के लिए SHO राजकुमार जी को लाइन हाजिर किया गया है, जिसमें जांच जो है एडिशनल SP हेडक्वार्टर द्वारा की जा रही है कि इसमें अन्य और अगर किसी की गलती है तो वो कौन कौन लोग हैं। मैम, आपने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई, आप बुखार में पीड़ित होते हुए रात में पहुंचे, तो आपको क्या लगा कि ये नीचे जो ऑफिसर्स हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे, क्या बात है सर? इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे सारे अधिकारी, चाहे वो IPS CO नॉर्थ सुशील जी हों, चाहे सरिता जी हों, सभी मौके पर तुरंत पहुँचे थे जैसे ही घटना के बारे में हमें मालूम हुआ था, और तभी से हमारी टीम्स एक्टिवेट हो गई थी और बहुत जल्द हमने डिटेन भी कर लिया है पूरी चीज़ को देखते हुए। साथ ही साथ जो हमारे पुलिसकर्मी जिनको चोट लगी थी उनकी जो सर्जरी है उसके लिए भी जयपुर में बात करके तुरंत ग्रीन कॉरिडोर पहुँचा के उनको जल्द से जल्द वहाँ पहुँचाने के लिए रेफ़र करने के लिए भी पूरे प्रयास किए गए हैं, और किसी भी तरीके के इस तरीके के माहौल को या पुलिस के ऊपर इस तरीके की हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं।